अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। स्वागत है आपका अखबारों की सुर्खियां में। आज के मेरे हाथ में जनसत्ता का अखबार है और उसमें जो खबरें छपी हुई हैं उनको हम आपको विस्तार से बताते हैं। मैं आपको बता दूं कि जनसत्ता की पेज पर पूरी पॉलिटिकल खबरें हैं और उनके ज़रिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश में चल क्या रहा है और क्या चलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि भीड़ तंत्र पर जो मॉब लिंचिंग होती थी, जो उसको लेकर के कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग को रोकथाम के लिए सोशल मीडिया के जरिए लोग बहुत कई तरीके के भ्रम फैलाते थे और बच्चा चोरी को लेकर कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, गौ हत्याओं को लेकर के कई ऐसी घटनाएं हो चुकी, क्योंकि व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होती रहती हैं चीज़ें कि इस व्यक्ति ने ये किया है, इतना फैलाओ कि लोग सभी लोगों के पास पहुँचे और इस पर कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई हो। इसी को लेकर के बहुत सारी हत्याएँ हो चुकी हैं, जो कहीं ना कहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भीड़ तंत्र पर रोक लगाएं केंद्र और राज्य सरकार है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा और लोगों को पीट पीट कर मारने की घटनाओं के लिए सीधे तौर पर केंद्र और राज्य सरकारों को जवाबदेह बनाया है। अदालत ने मंगलवार को कहा कि सोशल मीडिया पर गैर कानूनी और विस्फोटक संदेशों व वीडियो के प्रचार प्रसार पर अंकुश पाने और रोकने के लिए सरकार जल्द कदम उठाए, क्योंकि ये भीड़ तंत्र को बढ़ावा देते हैं और ऐसी घटनाओं के लिए प्रेरित करते हैं। शीर्ष अदालत ने महात्मा गांधी के प्रपोत्र तुषार गांधी और तहसीन पूनावाला जैसे लोगों की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। इन याचिकाओं पर ऐसी हिंसक घटनाओं पर अंकुश पाने के लिए दिशा निर्देश बनाने का अनुरोध किया गया है और याचिकाओं पर अदालत ने ऐसी घटनाओं की रोकथाम, उपचार और दंडनात्मक उपायों का प्रावधान करने के लिए अनेक निर्देश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी मनोनीत करें। अदालत ने यह भी कहा है कि भीड़ की हिंसा और लोगों को पीट पीट कर मारने की घटनाओं की रोकथाम की उचित कदम उठाने के लिए नोडल अधिकारियों की मदद हेतु उपाधीक्षक रैंक का एक अधिकारी रहना चाहिए। वे एक विशेष कार्यबल बनाएंगे ताकि ऐसे अपराध करने की आशंका वाले और नफरत फैलाने वाले लोगों पर नकेल कसी जा सके। सोशल मीडिया पर ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है चीज़ें और इस पर कहीं ना कहीं नकेल कसना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती रहेंगी, लोग पिटते रहेंगे, लोग मार खाते रहेंगे, क्योंकि भ्रम फैलाया जाता है कई चीज़ों को लेकर के। आप दूसरी खबर पर नज़र डालें, यानी कि लोकपाल चयन समिति बैठक हुई है, कल होगी और लोकपाल पर चयन समिति की बैठक को लोकपाल बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये बैठक शुरू होने वाली है, सरकार इस पर कदम उठाने वाली है। अब केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लोकपाल के चयन के लिए पैनल गठित करने के वास्ते चयन समिति की बैठक 19 जुलाई को बुलाई गई है और न्यायमूर्ति रंजन गंगोई भी उसमें शामिल हैं न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा जो पीठ है, सरकार ने उनको सूचित किया है कि चयन समिति को लोकपाल की नियुक्ति के लिए उचित नामों की सिफारिश आप करें और कौन हो सकता है इसके लोकपाल, इसके लिए उनको नामों को सुझाने के लिए सरकार ने कहा है। और चयन समिति 19 जुलाई को हो रही है, इसलिए वे फिलहाल कोई आदेश पारित करने की बजाय इस मामले में 24 जुलाई को आगे सुनवाई करेगी। आपको बता दूं कि भीड़ की अग्निवेश की पिटाई जांच का आदेश, यानी कि झारखंड में सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश के पास सात पाकुड़ में बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों के लोगों ने मारपीट की। घटना के बाद पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने चिकित्सकों को बुलाकर, यानी कि डॉक्टरों को बुलाकर उनका इलाज करवाया है और मामले में 12 लोगों को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंडलायुक्त व पुलिस उप निरीक्षकों को जांच करने के निर्देश भी दे दिए हैं। और अग्निवेश की, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा समाचार चैनलों पर भी यही प्रसारित हो रहा था कि अग्निवेश की पिटाई कर दी गई है, और यानी कि बलात्कार के 17 आरोपियों को
वकीलों ने पीटा। अब चेन्नई में नाबालिग बधिर लड़की से 7 महीने तक बलात्कार किए जाने के मामले में गिरफ्तार किया और 17 आरोपियों की पिटाई, अदालत परिसर में वकीलों ने पिटाई कर दी है और गुस्साए वकीलों ने आरोपियों को सीढ़ियों से घसीटा। गिरफ्तार किए गए लिफ्टमैन, सिक्योरिटी गार्ड, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और अन्य उसी अपार्टमेंट में कर्मचारी हैं जहां लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। अब आज से जो है केंद्र सरकार का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इसमें उन्होंने उम्मीद जताई है कि जो विपक्ष है, कांग्रेस है, वो सहयोग करेगा सत्र के दौरान। अब संसद सत्र में कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए साथी दलों से सहयोग की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा है कि सरकार सभी राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों को काफ़ी महत्व देती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सत्र के दौरान सभी राजनीतिक दल राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सकारात्मक चर्चा करेंगे। बुधवार से शुरू संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से राष्ट्र हित को देखते हुए सत्र के दौरान सकारात्मक माहौल कायम करने को सामूहिक प्रयास करने की अपील की है। अब देखते हैं कि संसद में हंगामा होता है या फिर जो बिल पास होंगे कि नहीं। और मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि शारीरिक संबंध के लिए पत्नी हमेशा राजी रहे। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कुछ चीज़ों को लेकर के। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि शादी का यह मतलब नहीं है कि कोई महिला अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए हमेशा राजी हो, और यह जरूरी नहीं है कि बलात्कार करने के लिए शारीरिक बल का इस्तेमाल किया गया हो। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशक गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा है कि शादी जैसे रिश्ते में पुरुष और महिला दोनों को शारीरिक संबंध के लिए नहीं कहने का अधिकार है। कोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने की मांग की गई है। पीठ ने कहा है कि शादी का यह मतलब नहीं है कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए महिला हर समय तैयार हो, इच्छुक और राजी हो। पुरुष को यह साबित करना होगा कि महिला ने सहमति दी है। अदालत ने NGO मैन वेलफेयर ट्रस्ट की इस दलील को खारिज कर दिया कि पति पत्नी के बीच यौन हिंसा में बल का इस्तेमाल या बल की धमकी इस अपराध के होने में महत्वपूर्ण कारक हो। NGO वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने वाली याचिका का विरोध कर रहा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि यह कहना गलत है कि बलात्कार के लिए शारीरिक बल का इस्तेमाल जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि बलात्कार में चोटें आए। अब जब राजा सामाजिक सरोकारिता से बात की जाती है तो राजनीतिक में फिर से हम लौटते हैं। और मायावती ने बसपा के उपाध्यक्ष को कल बर्खास्त कर दिया। मैं आपको बता दूं कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए की गई टिप्पणी पर मंगलवार को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। जयप्रकाश सिंह ने टिप्पणी की थी कि जो राहुल गांधी हैं उनकी माँ विदेशी है तो वो भी विदेशी मूल के होना चाहिए। लेकिन ये खबर आ रही है कि जो जयप्रकाश हैं उन्होंने काशीराम को रिस्पेक्ट नहीं दी क्योंकि काशीराम की पार्टी है। और हालांकि मायावती काशीराम मानवर काशीराम जी कहकर के भाषणों में बुलाती हैं, लेकिन उन्होंने सीधा काशीराम बोला और कई चीज़ों को लेकर के, गौ हत्या को लेकर के और राम मंदिर को लेके कई ऐसे मुद्दों पर उन्होंने भाषण दिया जो कहीं ना कहीं मायावती बचती चाहती हैं और इसीलिए उनको इसका शिकार होना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश को बर्खास्त कर दिया गया है। और अब आते हैं बिजनेस जगत पे। बिजनेस जगत में क्या है कुछ मैं आपको बता देता हूँ। अमेजन के संस्थापक बेजोस बन सकते हैं पहले ट्रिलियनेयर, यानी कि अमेजॉन के संस्थापक और चेयरमैन जेफरी जेफ बेजोस 150 अरब डॉलर 10 लाख करोड़ रुपए नेट वर्थ वाली पहली शख्सियत बन गए हैं। सिर्फ 8 महीने पहले 24 नवंबर 2017 को उनकी नेट वर्थ 100 अरब डॉलर यानी कि 6 लाख करोड़ रुपए के पार गई थी। जिस तेज़ी से बिजनेस को संपत्ति बढ़ रही है उसे वे महज 12 साल बाद सितंबर 2030 में दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर 68.5 लाख करोड़ रुपए बन सकते हैं। यानी कि RS कंपोनेंट्स नाम की कंपनी ने ब्लूमबर्ग डेटा के आधार पर यह विश्लेषण किया है। इसने 4 कॉमा और
बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। आप ये बिजनेस जगत से थी खबर, मैं आपको फिल्म जगत से खबर बताता हूँ। फिल्म जगत में अक्षय कुमार ने कमाई के मामले में सलमान खान को पछाड़ दिया है। आपको बता दूं कि बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने सलमान खान को फोर्थ वर्ष 2018 की सबसे अधिक कमाई करने वाली 100 हस्तियों की सूची में पछाड़ दिया है। इस सूची में अक्षय 76वें और सलमान 22वें स्थान पर हैं, जबकि शाहरुख खान इस बार इस सूची से बाहर हो चुके हैं। अब मुक्केबाज मेवेदर ने कमाए 19 अरब रुपये। आपको मैं दूसरे अखबार पे जाएंगे तो खेल जगत से रूबरू कराता हूँ, यानी कि ट्रिपल टी के फॉर्मूले से जीता फुटबॉल का महासंग्राम। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से भरी फ्रांसीसी टीम को एकजुटता के सूत्र पर पिरोया माफ कीजिएगा सूत्र में आपको बता दूं कि आखिर सफलता का वह कौन सा महामंत्र है जिसकी बदौलत टीम फ्रांस 20 साल यानी कि 20 साल बाद एक बार फिर फुटबॉल के सबसे बड़े महासंग्राम में विजेता बनकर उभरी है। अब यहीं क्रिकेट की अगर बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ निर्णायक वनडे में भारत का औसत स्कोर सिर्फ कप्तान का चला बल्ला दिखाया गया। यहाँ कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के निर्णायक तीसरे मैच में विराट कोहली के 71 रन की बदौलत भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 8 विकेट पर 256 रन का स्कोर टांगा और एक एक की बराबरी चल रही थी। सीरीज के अंतिम वनडे के कप्तान विराट के अलावा ओपनर शिखर धवन ने 44 और पूर्व कप्तान MS धोनी ने 42 रन की अहम पारी खेली है। तो ये थी आज की अखबारों की सुर्खियों की खबरें और कल फिर मुलाकात होगी अखबारों की सुर्खियों में। तब तक के लिए नमस्कार। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।